एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस लर्निंग एकेडमी। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। सो आज का टॉपिक है हाउ टू स्टडी स्मार्ट, कि हम स्टडी कैसे करें स्मार्टली, बिना ज़्यादा हार्डवर्क किए फिर भी हम स्टडी को बहुत अच्छे से और इफ़ेक्टिव स्टडी हम कैसे करें। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हाउ टू स्टडी स्मार्टली या हाउ टू लर्न स्मार्टली। ओके, तो सबसे पहले आप सभी को पता है भाई, जब भी हम लर्निंग करते हैं या पढ़ने के लिए बैठते हैं तो हमारा जो मन है वो इतना चंचल है, वो हमें पढ़ने के लिए बैठने देता ही नहीं है। हम ज़्यादा टाइम के लिए स्टडी नहीं कर पाते हैं। सो इसके भी बहुत से रीजंस हैं, आपके डिस्ट्रैक्शंस, आपकी नींद, आपका खाना पीना, उठना बैठना, गेम, फ़ोन, ये सभी क्या आपके डिस्ट्रैक्शंस हैं जो कि आपके मन को आपकी पढ़ाई से दूर लेकर के जाते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी हम बहुत मेहनत करते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरे पूरे टाइम पढ़ते रहते हैं, पूरे टाइम वो अपना पढ़ाई में निकाल लेते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने अच्छे मार्क्स नहीं लेकर आ सकते हैं, या फिर वो लास्ट में एग्ज़ाम के टाइम में उस चीज़ को भूल जाते हैं। सबके साथ ज़्यादातर यही प्रॉब्लम है कि जब भी आप पढ़ते हैं तो उसके कुछ टाइम बाद आप उसको भूल जाते हैं। तो इसमें हम क्या करें, देखो इसको बोलते हैं हम स्मार्ट स्टडी। इसमें आपको कुछ टेक्निक्स का यूज़ करना है। तो सबसे पहले आपको स्मार्टली स्टडी करने के लिए आपको टेक्निक का यूज़ करना है एक्टिव लर्निंग का। देखो दो तरह की लर्निंग होती है, एक होती है एक्टिव लर्निंग, सेकेंड वन इज पैसिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग में क्या होता है कि आप उसमें अपनी पढ़ाई के साथ साथ, ठीक है, जब आप पढ़ रहे हैं तो उसमें आप अपनी सेंसेस, अपने ब्रेन का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कैसे, देखो एक्टिव लर्निंग में क्या होता है, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक से आपको क्या समझ में आया है, कितना आपको याद है, इसके लिए आपको खुद से क्वेश्चंस पूछने होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ो, मान लो आपने सेल कोई टॉपिक पढ़ा है, ठीक है, तो सेल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आप खुद से पूछो। तो अगर आप उन क्वेश्चंस का आंसर दे पा रहे हो, दैट मीन्स आपका ये टॉपिक जो है बहुत कंप्लीटली और बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया है। ठीक है, सेकेंड चीज, हमेशा जब भी आप स्टडी करते हो हमेशा आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस स्टडी करना चाहिए। ये नहीं कि बुक में जितना दे रखा है वो सभी पढ़ लो, नहीं, अकॉर्डिंग टू सिलेबस और आपकी एज के अकॉर्डिंग वो सिलेबस तैयार किया जाता है, तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, और एक्टिव लर्निंग और पैसिव लर्निंग में जैसे कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ, हमेशा हम एक्टिव लर्निंग की तरफ जाना चाहिए, जिसमें हम अपने ब्रेन का, अपने सेंसेस का यूज़ करके क्या करते हैं, अपनी लर्निंग करते हैं। पैसिव लर्निंग जो कि ज़्यादातर मैं कहूँगी 80-90% स्टूडेंट जो होते हैं वो पैसिव लर्निंग करते हैं। किस तरह से करते हैं, भाई क्लास में मैम ने कोई टॉपिक पढ़ाया, आपने वो टॉपिक वहीं पे पढ़ा, लिखा और घर आए और बुक में से बस उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया और पढ़ा और बंद करके कॉपी रख दी। ठीक है, ये होती है पैसिव लर्निंग। इसमें आपने क्या अचीव किया, कुछ भी अचीव नहीं किया, आप कुछ टाइम बाद उस टॉपिक को भूल जाओगे। लेकिन जो मैम ने टॉपिक पढ़ाया, जिसके आपने नोट्स बनाए हैं, ओके, अगर आप उस टॉपिक से अपने आप से क्वेश्चंस करोगे कि व्हाट इज सेल, सेल क्या है, तो आपका ब्रेन जो है वो एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करेगा और उसका आंसर देने के लिए आपको आपको कोशिश करेगा कि आपको उसका आंसर वो दे पाए। ठीक है, तो आपका ब्रेन, आपकी जितनी भी ब्रेन इंफॉर्मेशंस है उसके अंदर, उसको वो बाहर निकालने का ट्राई करेगा। तो इससे क्या होगा, आप एक्टिवली उसमें आपका जो ब्रेन है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, एक्टिव लर्निंग में आप लाउडली भी पढ़ सकते हो, तो लाउडली में क्या होगा कि आपके जो सेंसेस है, आपके ईयर जो है वो भी क्या होंगे, एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, आप किसी को सुना सकते हैं, तो ये एक्टिव लर्निंग होती है, यानी कि जिसमें आप क्वेश्चंस पूछ करके खुद से क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, या आप कोई मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं या लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो ये सभी क्या है, एक्टिव लर्निंग की टेक्निक्स हैं। ठीक है, तो एक्टिव होने के लिए आप जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर्स हैं, मॉडल पेपर्स हैं, जो क्विज के पेपर्स आते हैं, उन सभी को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थर्ड वन है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो गलतियां करते हैं वो क्या करते हैं कि वो एक दिन में एक सब्जेक्ट को कैरी करते हैं। ठीक है, कि आज मैं मैथ पढ़ूंगा, कल मैं साइंस पढ़ूंगा, परसों मैं सोशल स्टडी पढ़ूंगा, तरसों मैं कुछ और पढ़ूंगा। तो इस तरह से क्या होता है, आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को जो आपने मंडे में तय किया था कि मंडे में मुझे मैथ्स करना है, ठीक है, तो उसमें एक हफ्ते का गैप आ गया। ठीक है, तो उस गैप की वजह से क्या होता है, आपकी जो स्टडी है वो बिल्कुल बेकार हो जाती है, वो इफेक्टिव स्टडी नहीं रहती है, क्योंकि जो सब्जेक्ट आपने एक हफ्ते पहले पढ़ा था, अब आप उसको बीच में नहीं उसको पढ़ रहे हो, आप
डायरेक्ट उसको एक हफ्ते बाद पढ़ रहे हो, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो स्टडी है वो इनइफेक्टिव हो जाती है। तो हमेशा आपको क्या करना है, सब्जेक्ट्स को, हर एक सब्जेक्ट को एक प्रॉपर टाइम देना है अपनी दिन में, ठीक है। अगर आप मल्टी सब्जेक्ट्स एक दिन में कवर करोगे तो आप लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अपने ब्रेन के अंदर रख पाओगे, ठीक है। तो हर एक सब्जेक्ट को आपको प्रॉपरली टाइम देना है पूरे दिन के अंदर, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि आज सिर्फ मैथ का दिन है तो सिर्फ मैथ मैथ ही पढ़ूंगा, या सिर्फ साइंस का दिन है तो सिर्फ आज साइंस साइंस पढ़ूंगा, ठीक है, ऐसा नहीं होना है। तो इसमें आपको प्रॉपरली टाइम देना है अपने हर एक सब्जेक्ट को, और इसके लिए पढ़ते टाइम आपको हमेशा याद रखना है कि जो आप नोट्स वहाँ पर बना रही हो वो आप की नोट्स बनाओ या इफेक्टिव नोट्स बनाओ, ठीक है। इफेक्टिव नोट्स का मतलब क्या होता है कि जब भी जो बुक की इन्फॉर्मेशन है आपको उसको छोटे से फॉर्म में लिखना है अपने नोट्स में, जिससे आप जब लास्ट में रिवाइज करो या आप कुछ टाइम बाद जब रिवाइज करो तो आपको इतना ज़्यादा टाइम ना लगे जो कि आपको उस टाइम पे पढ़ने में लग रहा है, ठीक है। तो आपको नोट्स जो बनाने चाहिए वो बहुत इफेक्टिव, बहुत शॉर्ट बनाने चाहिए, ठीक है। पॉइंट्स में आप नोट्स बना सकते हो अपने, और हाइलाइटर का यूज़ ज़रूर किया करो, अपने जो पेन्स हैं उनका यूज़ किया करो, जिससे जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, जैसे कि मान लो कि डीएनए इज़ ए जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, तो डीएनए को आप उसमें हाईलाइट करो, ठीक है, कि ये क्या है, आपका जेनेटिक मटेरियल है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, स्टोर हाउस है आपके एनर्जी का, ठीक है। तो आप उसको क्या करो, उसको अंडरलाइन करो कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी। तो इस तरह के पॉइंट्स को आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है, ओके। नेक्स्ट, जब भी आप अपनी स्टडी करते हो तो अपना जो टॉपिक है उसको समराइज और कंप्राइज करके पढ़ना चाहिए, ठीक है, यानी कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको कंप्रेस फॉर्म में आपको रखना चाहिए। इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन है तो उसको इतना बड़ा नहीं लिखना, उसको कंप्रेस करके बहुत शॉर्ट फॉर्म में आपको अपनी नोट्स में लिखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है कि टेक्स्ट करना चाहिए आपको अपने जितने भी आप सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, ठीक है, उनको फ्रिक्वेंटली आपको टेस्ट करना है। कैसे टेस्ट कर सकते हो, आप खुद से क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ठीक है। आप कहीं पे जा रहे हो या आप रास्ते में चल रहे हो या ऊपर नीचे कहीं भी जा रहे हो खेलने कूदने, ठीक है, तो उस टाइम पे खुद से क्वेश्चन कीजिए कि आज मैंने क्या पढ़ा, ठीक है, इस टॉपिक में ये जो आपकी सेल है वो क्या है, कौन था आपका जो कि स्टोर हाउस था, किसका, आपके एनर्जी का, एटीपी का कौन स्टोर हाउस है, ठीक है। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस आप खुद से हमेशा कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी पार्टिसिपेट कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में भी आप क्वेश्चंस को पूछिए कि व्हाट इज सेल, ठीक है, उन लोगों से पूछिए या खुद से पूछिए। तो इस तरह से आप टेस्ट कर सकते हो अपनी नॉलेज को। इसके साथ साथ बहुत से क्विज होते हैं, और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स होते हैं, मॉक टेस्ट पेपर्स होते हैं, आपके क्लास टेस्ट होते हैं, तो इन सभी में आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है कि जब भी आप पढ़ते हो तो स्मार्टली पढ़ने के लिए आपको प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज और प्रॉपर नींद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जब भी आप स्टडी करो तो डाइट अच्छे से लो, ठीक है, अपनी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को ऐड करो, बादाम, काजू, इन सभी ड्राई फ्रूट्स को ज़रूर ऐड करो, वॉलनट को ऐड करो, ठीक है। उसके साथ मिल्क ज़रूर लेना चाहिए, और एक्सरसाइज करनी चाहिए, ब्रेन की एक्सरसाइज आप कर सकते हो, ठीक है, आप थोड़ा बहुत टाइम के लिए ब्रेन के लिए भी एक्सरसाइज होती है, मेडिटेशंस होता है, योगा होते हैं, ठीक है, छोटी छोटी एक्सरसाइज होती हैं जो कि आप कर सकते हो, और अपनी नींद को प्रॉपरली आपको लेना है, ठीक है, और अच्छी डाइट लेनी है, तो इसके थ्रू भी आपकी जो स्टडी है, क्योंकि अगर आप हेल्दी रहोगे तो तभी आप स्टडी भी अच्छे से कर पाओगे। आप हेल्दी, आपका ब्रेन हेल्दी, तो आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से होगी, ठीक है। तो हमेशा पढ़ाई पे फोकस करने के लिए आपको हेल्दी रहना भी ज़रूरी है। तो दीज आर सम स्मॉल टिप्स, आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक इट तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को, साइंस लर्निंग अकेडमी को। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। सो बाय बाय एवरीवन।